Hey guys, welcome to another episode of Gyani Kuruvar, and today we are going to talk about which one is better, riding pant or the knee guards. So let's get started. So when we started riding back in 2014, जब मैं सचिन के पीछे बैठती थी, when I was a pillion, उस टाइम पे हम लोग को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी अबाउट द राइडिंग जैकेट्स और द राइडिंग पैंट्स और द सेफ्टी गियर्स. हम लोग को बिल्कुल भी ये सारी चीज़ों की अवेयरनेस नहीं थी. लेकिन उस टाइम पर हम लोग को हमारी सेफ्टी के लिए हम लोग ने एक लोकल एल्बो गार्ड और नी गार्ड खरीदा था. और जिस ग्रुप के साथ हम लोग गए थे, अराउंड 10-15 लोग थे, उसमें से सिर्फ एक हम ही लोग थे जिन्होंने लोकल नी गार्ड और वो एल्बो गार्ड पहन कर गए थे. एंड आई टेल यू, दोज लोकल नी गार्ड्स एंड एल्बो गार्ड्स सेव्ड आवर लाइफ. हम लोग की फर्स्ट राइड हुई थी राजस्थान में. वो राजस्थान के राइड में हम लोग को जैकेट तो मिल गया था, फीमेल जैकेट. अभी भी बहुत सारी कंपनी नहीं बनाती है, तो उस टाइम पे मैंने मेन जैकेट खरीद कर पहना था. इट वॉज लाइक क्रैम्स्टर का जैकेट था. और राइडिंग जैकेट पहनकर हम लोग ने तभी भी नी गार्ड ही पहना हुआ था. और हम लोग की फर्स्ट क्रैश हुई थी माउंट अबू के घाट पर. और लिटरली दैट नी गार्ड सेव्ड आवर बोन्स, सेव्ड आवर नीज बिग टाइम. कुछ तो पेट्रोल जैसा कुछ गिरा था और पूरी वो जो रोड थी वो स्लिपरी थी. और इट वॉज अ मतलब फर्स्ट क्रैश थी, तो हम लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन हम लोग बच गए. एंड वी वर सो ग्रेटफुल कि हम लोग ने सारे राइडिंग गियर्स पहने थे, चाहे लोकल ही थे उस टाइम पर. सो लेट मी क्विकली वेयर बोथ द थिंग्स एंड टेल यू कि कौन सी चीज ऑप्ट करनी चाहिए एंड विच वन इज बेटर. These are the knee guard from Pro Biker. इससे कम रेंज वाली भी knee guard आती है, but we don't keep it in our store because पता चला कि गिरने के बाद आपको वो knee guard की वजह से ज़्यादा लग रहा है. So we don't keep those knee guards. These knee guards, it is a bionic knee guards जो आपके knees का shape लेता है. ये क्या होगा, चलते वक्त ना आपको बार बार ये ऊपर खींचते रहना पड़ेगा, या फिर ride करते वक्त भी ऐसे ऐसे ऊपर खींचते रहना पड़ेगा आपको. लेकिन ये भी नीचे आएगा, ये वाली नी गार्ड भी नीचे आएगी, लेकिन उतना ज्यादा नहीं आएगी जितना ये वाली नी गार्ड आएगी. सो दिस इज बिट बेटर वर्जन ऑफ इफ आई कंपेयर विद प्रो बाइकर के नी गार्ड से. ओके, सो द एडवांटेजेस ऑफ नी गार्ड, इट इज चीपर, इट इज इजली रिमूवेबल. आई मीन फटाफट काम हो जाता है इसमें. एंड दीज नी गार्ड्स आर ऑल्सो यूज बाई ट्रेकर्स, क्योंकि राइडिंग पैंट पहन के या फिर ऐसे कोई ना सेफ्टी पैंट पहनकर उन लोगों को ट्रैक करने को नहीं होता है, तो वो लोग ये कैरी करते हैं टू प्रोटेक्ट देयर नीज. अनदर थिंग इज कंफर्टेबिलिटी. अगर आप ऐसे खड़े होकर कभी ऐसे बैठते हो तो होता है कि ये ऐसे हो जाता है, तो आपको बार बार उसे ऊपर खींचना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा. सो आई थिंक कि कंफर्टेबिलिटी इसमें थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो रही है. अनदर थिंग इज जो ब्रांडेड नी गार्ड्स होती है, वो ब्रांडेड नी गार्ड रेंजेस बिटवीन 3.5 टू 4.5, और वो ब्रांडेड नी गार्ड्स में आपको वारंटी भी मिलती है, लेकिन ये दीज काइंड्स ऑफ नी गार्ड्स में आपको वारंटी नहीं मिलती है. सो दैट इज वन. सो अगर आप 3.5 और 4.5 खर्चना चाहते हो तो उससे अच्छा राइडिंग पैंट ही ले लो. सो नाउ लेट्स वेयर द राइडिंग पैंट एंड लेट मी टेल यू अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ राइडिंग पैंट. सो लेट्स गो. राइडिंग पैंट पहनने के अंदर हमेशा मेक श्योर कि एक इनर जैसा कुछ पहनो, बहुत इजीली वो स्लाइड इन हो जाता है. एंड इट इज लाइक वेरी कंफर्टेबल. सो टॉकिंग अबाउट द राइडिंग पैंट्स नाउ, जब हम लोग लद्दाख राइड से वापस आए, सबसे पहला चीज हम लोग ने राइडिंग पैंट्स खरीदा. I'll tell you the reasons. राइडिंग पैंट पहनने के बाद पता चला है कि कंफर्टेबिलिटी क्या होती है और राइड इतनी कंफर्टेबल हो भी सकती है. टॉकिंग अबाउट दिस राइडिंग पैंट, आई वेयर स्मॉल साइज राइडिंग पैंट, माई वेस्ट इज 28 अराउंड, और यहाँ पर हमेशा यू कैन जस्ट टाइटन इट अप. आपके वेस्ट के हिसाब से आप काम कर सकते हैं. ये स्मॉल साइज भी अभी मुझे लूज हो गया है, आई डोंट नो व्हाई, सो गुड थिंग. ये इसमें इतनी सारी पॉकेट्स आती हैं, सो यू कैन कीप योर बेसिक things like phone or all those things over here. But I will suggest not to keep your phones in your jacket pockets or either. I will not suggest that. यहाँ पर भी एक pockets है, यहाँ पर भी pockets है. Make sure you don't keep any of the pointed objects in your jackets. और
इन योर राइडिंग पैंट्स. स्क्रू ड्राइवर बोल दो या फिर कुछ भी ऐसी नोकीली चीज रहती है वो कभी भी अपने राइडिंग पैंट्स और राइडिंग जैकेट्स में मत डालो. फोन भी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्रैश के टाइम पे आप भी इम्पैक्ट होंगे, जैकेट भी इम्पैक्ट होगा, आपका फोन भी स्क्रैचेस हो जाएगा, डबल खर्चा. तो मेक श्योर डोंट यू शुडंट कीप एनीथिंग इन योर दीज पॉकेट्स. कुछ भी मत रखो. खाने पीने का चीज है, जैसे अगर प्रोटीन बार है, पैसे हैं, तो आप वो सब रख सकते हो ये सारी चीजों में. ओके, नाउ दिस पैंट इट इज सीई लेवल 1. ओके, ये मोटोटॉक का पैंट है जो मेरा पुराना मोटोटॉक का पैंट है. नाउ आई वेयर राइनॉक्स का एडवेंटो विच इज सीई लेवल 2 विथ नॉक्स आर्मर्स. यहाँ पर ये आप देख रहे हो मेश मटेरियल है. सो ये वाली जो आइटम है ना, आपको जीन्स से भी ज्यादा वेंटिलेशन देती है दिस मटेरियल. अभी का जो मेरा पैंट है, ये मेरी पुरानी मोटोटॉक की पैंट है. अभी की जो मेरी पैंट है वो है राइनॉक्स का एडवेंटो विच इज सीई लेवल 2 विथ नॉक्स आर्मर्स. वो पूरा टेक्सटाइल मटेरियल है, लेकिन उसका जो नी गार्ड के यहाँ पर है, इट हैज कॉर्ड्यूरा मटेरियल. नाउ व्हाट दैट हेल्प्स यू इन, जब भी क्रैश होता है तो वो मटेरियल इज वेरी हार्ड टू, वो फटता जल्दी नहीं है. और मेरी जो पैंट है अभी, वो उसमें ना फ्लैप्स है जो आप ओपन करके, गर्मी में आप ओपन करके यू कैन यूज इट, विच इज वे, मतलब अभी की जो मेरी पैंट है ना, आई एम हाईली हैप्पी विद दैट, क्योंकि वो आर्मर्स भी अच्छी है, प्लस उसमें बहुत सारी जो चीज है, जो एडवांटेजेस है वो भी है, प्लस उसमें एडजस्टेबल नी गार्ड्स भी है. सो हाईली अ बिग थम्स अप टू एडवेंटो राइनॉक्स का पैंट. Now I'm going to tell you the most important thing which differentiates riding pant from the knee guards. कभी साइकिल से गिरे हो? बचपन में जब मैं साइकिल से गिरती थी ना, मेरा सबसे पहला इम्पैक्ट गिरने के बाद ये होता था, दिस पार्ट. राइडिंग पैंट में सबसे अच्छी चीज है कि आपको ये वाली गार्ड मिलती है, क्योंकि जब भी आप बाइक से गिरोगे ना, पहला इम्पैक्ट तो आपकी नीज पर होगा, प्लस जब आप घसरते हुए जाओगे आगे तो ये भी आप होता है, ये भी घसरती है आपके साथ. So the best thing is we have this protection which knee guards में obviously आपको पता ही होगा कि नहीं होता है. So hip protection very very important. दूसरी चीज comfortability. आप अगर इसमें बैठना चाहोगे बहुत easily बैठ सकते हो. आपको ये इधर pressure feel भी नहीं होगा कि यहाँ पर कुछ आपको pressure हो रहा है या फिर कुछ कंफर्टेबल नहीं है. आपको नीचे बैठना है, आप नीचे भी बैठ सकते हो, खाना खा सकते हो. मुझे ना जीन्स में, मतलब मेरा जो स्किन टाइट जीन्स रहता है, मुझे जीन्स में ऐसे नीचे बैठने को नहीं होता है. एंड दैट इज व्हाई आई से दैट आई लव राइडिंग पैंट्स. वो उठना भी है. हाँ. अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही एक बंदा आया था हमारे स्टोर पर, उसको स्पीति जाना था, तो वो बोल रहा था कि वो 4 जीन्स कैरी करने वाला है. I was like कि इनफैक्ट सचिन और मैं दोनों शॉक्ड उसको देख रहे कि हम लोग तो एक ही जीन्स कैरी करते हैं फॉर साइट सीइंग, 4 जीन्स क्यों कैरी कर रहे हो. उसके बाद हम लोगों को पता चला बंदे के पास राइडिंग पैंट्स नहीं है क्योंकि उसको नी गार्ड चाहिए था एंड ऑल दोस थिंग्स. तो आप लोग सोचो कि वो 4 जीन्स के कॉस्ट अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसमें एक राइडिंग पैंट आएगा जो आपको 2 साल चलेगा एंड इट विल नॉट गेट वॉर्न आउट सो ईजली. 2 साल तो ईजली आपको वो राइडिंग पैंट चलने वाला है. वो 4 जीन्स का कॉस्ट, उसका वो टाइट इतनी रहती है, कंफर्टेबिलिटी नहीं रहती है, उसके ऊपर नी गार्ड डाल दो. यार मैं सच बता रही हूँ, राइडिंग पैंट आने के बाद ना लाइफ इतनी और राइड इतनी सुकून हो गई है ना, यू कैन नॉट टेल अबाउट इट. सो इट इज योर टेक टू डिसाइड एंड अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए, राइडिंग पैंट चाहिए कि नी गार्ड चाहिए. आफ्टर वेयरिंग राइडिंग पैंट वी विल नेवर गो बैक to knee guards. Safety purpose, comfortability, pricing, all the constraints. अगर आप लोग का budget constraint है या फिर आप लोग safety compromise करने वाले हो या फिर कुछ भी नहीं पहनने वाले हो, तो उससे अच्छा please riding pant नहीं भी पहन रहे हो तो ठीक है, knee guard तो पक्का पहन लो. knees को ऊपर थोड़ा तरस करो और please कुछ तो पहन कर जाना, या तो riding pant, अगर नहीं है riding pant तो knee guard. So next ride जल्दी होने वाली है. वी हैव गॉट सम अमेजिंग पार्सल फ्रॉम क्लब फैक्ट्री, सो थैंक यू क्लब फैक्ट्री, चीयर्स. नेक्स्ट राइड का प्रिपरेशन इज ऑन, वी कैन काउंट डेज ऑन आवर फिंगर्स लाइक लिटरली. सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप लोग का माइंडसेट बदल गया है कि क्या चीज चाहिए, अभी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेक श्योर यू लाइक इट, कॉमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, सब कुछ कर दो. एंड
और भी टॉपिक्स बताओ जिस पे आप लोगों को नॉलेज चाहिए एंड वी कैन प्रोवाइड आवर एक्सपीरियंसेस एंड शेयर आवर एक्सपीरियंसेस ऑन दोस प्रोडक्ट्स और चीजों के ऊपर. सो मेक श्योर यू ऑलवेज वेयर अ हेलमेट एंड कीप ग्रूमिंग एवरीवन बिहाइंड द मैन बिहाइंड द कैमरा मैन. काट दूं क्या गला खचक.